तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई और वीडियो में। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जिन स्टूडेंट का आज एग्ज़ाम है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है जो आज किस वीडियो में क्वेश्चन बताऊँ ये सारे आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है। तो लाइन स्पेसिंग जो कमांड होता है या ऑप्शन होता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऑप्शन को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है। तो नंबर एक है फॉर्मेट, बी नंबर है रिव्यू, सी नंबर है व्यू, डी नंबर है फाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट जो मेनू होता है, ठीक है, या टाइप होता है, उसमें स्पेसिंग कमांड पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो जिनका भी आज एग्जाम है प्लीज अच्छे से ध्यान से आप पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा कमांड डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करता है? नंबर एक सीडी, बी नंबर एमकेडीआईआर, सी नंबर है डेल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो दोस्तों वो होता है एमकेडीआईआर, यानी कि मेक डायरेक्टरी, ठीक है, एमकेडीआईआर यानी कि मेक डायरेक्टरी, ठीक है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप ऑप्शन पाया जाता है? तो नंबर एक मेलिंग, बी नंबर रेफरेंस, सी नंबर फाइल और डी नंबर एडिट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है फाइल, सी नंबर। फाइल के अंदर पेज सेटअप ऑप्शन पाया जाता है। और पेज सेटअप आप एक जगह से और कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ, पेज लेआउट में जाके आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और आप लोगों का पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पेज सेटअप नीचे लिखा रहेगा, तो उस पर क्लिक करके आप वहाँ से भी सेट कर सकते हैं और फाइल से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टेबल प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? नंबर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, बी नंबर सिस्टम प्रोग्राम, बी नंबर सिस्टम प्रोग्राम, सी नंबर किसी प्लेटफॉर्म से मुक्त, डी नंबर में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है किसी प्लेटफॉर्म से मुक्त, ठीक है, पोर्टेबल प्रोग्राम होते हैं, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों आपको ध्यान देना, जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है इसमें जीके से भी रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जीके से भी आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो नंबर एक है नवंबर 2017, बी नंबर जनवरी 2013, उसी नंबर है अगस्त 2014 और डी नंबर है अगस्त 2015। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर, अगस्त 2014, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो होता है फाल्स, क्योंकि पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि एमएस ऑफिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम से, ओएस। राइट आंसर फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किलो बाइट में ठीक है 1048 बाइट होते हैं एक किलो बाइट में। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हुआ है, आप ध्यान दीजिए। मैं आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि स्टूडेंट कन्फ्यूज जाते हैं, ठीक है। मैं आपको लोग बता देता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। जो मैंने यहाँ स्पेस दे दिया है ना, यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए था, या हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं। तो ऐसे किलो बाइट ठीक है, एक में लिखा रहता है, तो एक किलो मतलब कि एक किलो बाइट मतलब कि एक के बी, ठीक है, किलोबाइट का 60 टाइम जो होता है वो होता है केबी, किलोबाइट, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है किलोबाइट फुल नेम से, कभी कभी केबी में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या होता है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी भी एनिमेशन स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तब प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड पर स्वतः लागू हो जाता है? एनिमेशन जब आप किसी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो स्लाइड स्वतः स्टार्ट हो जाती है, लागू हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा फाल्स, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होती है? तो जो कैश मेमोरी हुई आप लोगों की वो बहुत ही तेज होती है, वो मेन मेमोरी से भी तेज होती है। किसी भी में सबसे जो फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में, वो कैश मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना किया जा सकता है? लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होता है सी नंबर 96, ठीक है, अधिकतम फॉन्ट साइज इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडरलाइन ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो जो अंडरलाइन होता है वो होता है आपके फॉर्मेट में। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, फॉर्मेट मेनू में आप जाएंगे तो वहाँ पर अंडरलाइन आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट के आरंभ में यानी कि शुरुआत में जाने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे? नंबर एक पेजअप की, बी नंबर कंट्रोल प्लस होम, सी नंबर आल्ट प्लस होम, डी नंबर होम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है होम। जब आप कीबोर्ड से होम की प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली आरंभ में पहुंच जाएंगे, ट्राई जरूर करिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो नंबर एक है .docx, बी नंबर है .doc, सी नंबर है .dot, और डी नंबर में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होता है सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। और जो ए नंबर है वो उसका आंसर किसका होगा? ये हो जाएगा आप लोगों का एमएस ऑफिस 2007 के ऊपर के वर्जन का, और बी नंबर हो जाएगा 2003 तक, ठीक है। जो एमएस ऑफिस 2003 का वर्जन होता है उसमें .doc होता है, लेकिन जब एमएस ऑफिस 2007 से ऊपर के वर्जन आ जाते हैं तो लास्ट में एक्स लग गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू फ्यूचर्स वर्ड में कोई एडिटिंग करने की अनुमति नहीं देता है? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो वहाँ पर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ट्रू, नहीं देता है, ठीक है, नहीं कर सकते आप वहाँ पर एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर सेक्शन में वर्तमान तिथि को इंसर्ट नहीं की जा सकती? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, नहीं किया जा सकता, हेडर सेक्शन में वर्तमान तिथि को नहीं इंसर्ट किया जा सकता, ठीक है, ये नहीं की जा सकती, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, पाई चार्ट मल्टीपल सीरीज डाटा को प्रस्तुत कर सकता है? तो जो पाई चार्ट होता है एक्सेल में आप लोगों को मालूम है बहुत सारे चार्ट होते हैं, एमएस वर्ड में भी होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ट्रू, मल्टीपल चार्ट, पाई चार्ट जो होता है मल्टीपल सीरीज को एक ऐसे सिक्वेंस में आप लोगों को शो करता है जो आपके समझ में आ जाए। तो आप लोगों के जब आप पाई चार्ट होता है ना, तो वो ऐसा आप लोगों को शो करेगा ऐसे 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 कि जिस डेट में जो भी जैसे नंबर ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा नंबर है तो यहाँ पर हो जाएगा, उससे कम है तो यहाँ, उससे फिर कम यहाँ, सबसे कम है यहाँ, तो लाइन वाइज उठा रहता है, ठीक है, उससे समझ में आ जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप रट के जाते हैं तो आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिलेगी। और मेरी जो लिब्रे ऑफिस के लिए स्पेशल क्लास बनाई है अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, लिब्रे ऑफिस की मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, अगर वो सारे क्वेश्चन देख लेंगे तो लिब्रे ऑफिस में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आई श्योर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।